युवा क्रांतिकारी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश झा ने झंडोत्तोलन के दौरान घातक हथियार से फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रमेश झा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज, कार्रवाई का मन बना लिया है। अपनी ठसक में फायरिंग करने वाले झा को इस बात का गुमान तक नहीं था कि मामूली चूक से जश्न का ये बड़ा मौका हादसे का सबब बन सकता था। वैसे भी इस तरीके के हथियारों को रखने पर सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक है। नेताजी ने नियम कायदे की परवाह तक नहीं की। गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर अपनी हरकतों से लोगों में दहशत भर दी। अब देखना है कि पुलिस इनके खिलाफ कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई करती है। भारत की जय।